नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बर्मन मोहल्ले में राहुल बर्मन की हत्या करने वाले आरोपी सत्यम बर्मन पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले के 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, पर सत्यम बर्मन वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार था। वो अपने परिजनों को से मोबाइल नंबर बदल बदल कर बात कर रहा था, जिससे पुलिस को सत्यम बर्मन का पता चला। वहीं ग्वारीघाट पुलिस की एक टीम भोपाल रवाना हुई और सत्यम बर्मन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल SP संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में 12 जुलाई को राहुल बर्मन की हत्या मामले में मुख्य आरोपी सत्यम बर्मन को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सत्यम बर्मन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि नाव के पैसे के विवाद को लेकर उसने राहुल बर्मन की हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी सत्यम बर्मन से ही बरामद कर ली है। सत्यम बर्मन को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। दिनांक 12 जुलाई को बर्मन मोहल्ला में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या हुई थी। उसका नाम राहुल बर्मन था और ये 4 दोस्तों की कहानी है। 4 दोस्त आपस में चिरपरिचित थे और इनका जो है नाव के पैसे को लेकर विवाद हुआ था, तो इसमें 4 व्यक्तियों के खिलाफ FIR की गई थी और इसमें 3 को घटना के दिन ही पकड़ लिया गया था। बाकी एक आरोपी जो है फरार हो गया था और तो इसे अभी बाहर से पकड़ा गया है। उसका नाम है सत्यम वर्मन और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से जो है आला जरूरत भी बरामद कर लिया है। सर, इसे कहाँ से दिखाते? ये असल में दूसरों के फ़ोन ले लेकर के बातें कर रहा था और ये इसका पता चला कि भोपाल तरफ भाग गया था और किसी ट्रेन में यात्रियों से या इससे बात करना, उससे फ़ोन लेके बात करना, ऐसे बात कर रहा था, तो पता चल गया ये भोपाल रेलवे स्टेशन पे कहीं घूम रहा है, तो यहाँ से टीम भेज करके इसको पकड़वाया गया।